जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों सुविधा कर्मचारियों, अस्थायी कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कर्मचारियों, साथ ही रसोई कर्मचारियों संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है, चाहे दोस्तों आपके वेतन बढ़ोतरी संबंधित खबर हो, चाहे आपके स्थायीकरण लेकर जो भी खबर होती है दोस्तों, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो दोस्तों सुविधा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। कई राज्यों में और कई डिपार्टमेंट में सुविधा कर्मचारी के वेतन में आपकी बम्पर बढ़ोतरी हो चुकी है। इसका सरकारी आदेश भी आपका जारी हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से राज्य में आपका सुविधा कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी हुई है, और बाकी राज्य और बाकी डिपार्टमेंट में कब तक आपके सुविधा कर्मचारी के वेतन बढ़ोतरी होने वाली है, साथ ही कहाँ से आपके स्थायीकरण को लेकर दोस्तों खबरें आ रही है। इस वीडियो में सभी खबरें पूरा डिटेल से देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, कि दोस्तों सुविधा कर्मचारी संबंधित किसी भी राज्य की छोटी से छोटी खबर होती है लगातार हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कौन से राज्य में जो सुविधा कर्मचारी के तौर पर कार्य करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में और हाल फिलहाल में आपको कितना मानदेय मिलता है, कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं। तो सभी खबरें पूरा डिटेल से देख लेते हैं। दोस्तों आपकी पहली खबर आ रही है, पंचायत विभागीय सुविधा कर्मचारी का वेतन 8% बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, आपका वेतन है वो 8% बढ़ चुका है। तो ये न्यूज है आपके मध्य प्रदेश भोपाल का। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सुविधा कर्मचारी के मानदेय और पारिश्रमिक में 8% की आपकी वार्षिक वृद्धि की गई है। इसे लगभग 8,000 कर्मचारी को लाभ मिलेगा। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने शुक्रवार को जारी आदेश में बताया कि विभाग की विभिन्न योजनाओं कार्यक्रम में सुविधा कर्मचारी और अधिकारी कार्य करते हैं, इनकी मानदेय और पारिश्रमिक में बढ़ोतरी आपकी वित्त विभाग के अभिमंत और सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार और कर्मचारी वर्ग के सभी मध्यस्थता निभाने वाले कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद जाफर ने बताया कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सुविधा कर्मचारी को इस निर्णय से 8% की वेतन है वो आपको बढ़ोतरी के बाद मिलने वाला है। इससे लगभग 8,000 कर्मचारी है वो लाभान्वित होने वाले हैं। साथ ही आपके आदेश के अनुसार सुविधा कर्मचारी के मानदेय में 1 अप्रैल 2018 से 3% और 1 जनवरी 2019 से 5% की वृद्धि होगी। यानी दोस्तों जो भी आपका को भी आपको वेतन बड़ा वेतन मिलने वाला है, 2018 से आपके 3% के साथ 1 जनवरी 2019 से आपको 5% की वृद्धि होगी। साथ ही इसके अलावा आपका कुल 8% वेतन में बढ़ोतरी होने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज हम देख लेते हैं। दोस्तों अगली खबर है आपकी, सुविधा कर्मचारी को 18,000 रुपये वेतन नहीं मिला से आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपकी मांगे होती हैं, जो भी आपके सारी डिमांड होती है, हम लगातार उनको उठाते रहते हैं ताकि सभी सुविधा कर्मचारी को है वो वेतन ठीक से मिले, सम्मान वेतन उनको मिले। तो दोस्तों ये सुविधा कर्मचारी के द्वारा है उत्तर प्रदेश लखनऊ में आपका 18,000 वेतन नहीं मिले से 15 फरवरी से आंदोलन की चेतावनी सुविधा कर्मचारी ने दे दी है। सम्मान काम सम्मान वेतन के साथ 18,000 तुरंत दिया जाए। 15 फरवरी से जनपद मुख्यालय शुरू होगा आंदोलन लखनऊ। नीच संवाददाता, प्रदेश के बड़े सरकारी संस्थानों में सुविधा पर तैनात कर्मचारी ने 18,000 रुपये वेतन तत्काल प्रभाव से देने की मांग की है। साथ ही कर्मचारी सम्मान कार्य सम्मान वेतन को भी ये कह रहे हैं कि काम मांग को तत्काल पूरा न करने पर सुविधा कर्मचारी को 15 फरवरी से पूरे प्रदेश में एक साथ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। शनिवार को प्रेस क्लब में KGOM लोहिया संस्था के आपके सुविधा कर्मचारी नेताओं की बैठक नहीं लागू हो सकी। आउटसोर्सिंग नीति, संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग, सुविधा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले आपकी है चली बैठक में बात। प्रेस वार्ता हुई, सुविधा कर्मचारी नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ गहरी नाराजगी जताई। मांग पूरी न होने पर चेतावनी देते हुए कर्मचारियों ने है नेताओं से कहा कि 21 फरवरी से हैं कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। संघ के अध्यक्ष रितेश मल ने कहा कि समान काम समान वेतन की मांग के समर्थन में 1 अक्टूबर में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने इको गार्डन में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की उग्र होता देख प्रमुख क्रमिक सचिव आपके है आउटसोर्सिंग नीति लागू करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अब नीति लोहिया संस्थान PGI और KGOM में लागू नहीं हो सकी। साथ ही कर्मचारी का वेतन भी नहीं बढ़ा है। इस मौके पर ज्योति तिवारी आदि लोग हैं वो मौजूद रहे।
इनके समेत अन्य निजी कर्मचारी कार्यकर्ताओं की शोषण के साथ ही पीएफ समेत अन्य प्रकार की कटौती कर रही है। इसके अलावा घोटाला भी किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जनपदों में 15 फरवरी को जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। प्रत्येक जनपद में जन जागरूक अभियान चलेगा। वही 21 फरवरी से आपको प्रदेश में तमाम संगठन है वो कार्य का बहिष्कार करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी सभी राज्यों की सुविधा कर्मचारी संघ न्यूज। दोस्तों कोई भी किसी भी राज्य की न्यूज होती है हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।